मैंने कल रात को रचना को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। I'm mad. पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, लेकिन मैं क्या करूं? ये जो कुछ भी हो रहा है सब गलत है, एंड कुछ ना कुछ तो करना होगा इन सबको हिलाने के लिए। देखो ना, आज कॉलेज में मैच है और रचना यहाँ घर बैठकर रो रही है। इट्स जस्ट नॉट डन। मौसी जी, आप ये क्या है? गुंजन, तुमने कॉलेज में इतना कुछ कर दिया, अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो हमें पता भी नहीं चलता। मौसी जी, कुछ नहीं हुआ, आई मीन नो गड़बड़। हमने ये मोर्चा निकालकर उनकी असलियत सबके सामने लाई है और हमारी प्रोटेस्ट जाहिर की है ताकि सबको पता चल जाए कि लड़कियां भी कुछ है, सिर्फ डोमैट नहीं। ध्यान से सोचे तो इन संस्कृति वालों में और इस घर के लोगों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां रचना का हॉकी ना खेलने का फैसला भी कुछ ऐसा ही है, नहीं? आप लोग किसी की मन की मर्जी को दबा रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मौसी जी, रचना की कोई गलती नहीं है, फिर भी उसे कसूरवार बनाया जा रहा है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। और सास की पिटारी में क्या क्या सामान मंगवाना है उसकी भी लिस्ट बना लेते हैं। हाँ दीदी, और मयंक का नाप भी तो देना है ना। हाँ। और हमारा नाप, हम भी दूल्हे राजा के साथ बंठन के निकलेंगे और क्या। अरे भाई, चाचा ससुर बनने जा रहे हैं। अरे हाँ बाबा, आपके लिए तो हम खुद ऑर्डर करेंगे। ठीक है संगीता, मैं जाके आता हूँ। ठीक है। रचना, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? नहीं मम्मी, आज वो चाची जी के साथ नहीं भैया की शादी की तैयारी डिस्कस कर रहे। अच्छा, तुम कब से गृहस्थिन हो गई? जाओ जल्दी से तैयार होकर कॉलेज जाओ, शादी के लिए बहुत दिन बाकी, जाओ। रहने दीजिए ना दीदी, उसका मन नहीं है ना कॉलेज जाने का। एक दिन कॉलेज नहीं जाएगी तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा। तुम बैठो रचना, ये लो कॉपी और पेन, लिस्ट बनाओ तुम, पकड़ो। और नहीं तो क्या, ननन बनने जा रही हो, थोड़ा काम तो करे। कॉलेज जाके क्या करना है ना, हम देखते हैं। जी आइए। हेलो। हाँ प्रणाम, हम सावित्री देवी बोल रहे हैं। ओह प्रणाम प्रणाम, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपकी आवाज ना पहचाने? कैसी हैं आप? हम ठीक है, आप बताइए वहाँ सब कैसे हैं? ठीक है ना? जी हम सब अच्छे हैं। और हमारी बहू रानी? हाँ हाँ, आपकी बहू यही बैठी है हमारे पास। अच्छी है वो भी, आपकी बातें सुन रही है वो भी मुस्कुराते हुए। अरे बेस्ट है, और क्या चाहिए हमें, मुस्कुराती रहे, खुश रहे। हा? अच्छा सुनिए, हम सोच रहे थे कि आज शाम को आपके घर आए। इवनिंग में 7 बजे। क्या है, बहुत दिन से फील हो रहा था कि मिले नहीं हैं। सोचा फेस टू फेस मिल लेंगे, इम्पोर्टेंट बात करनी थी, बेस्ट होगा। हाँ हाँ जरूर आइए ना आप। अरे ये तो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। चलिए मिलते हैं फिर शाम को, प्रणाम। जी प्रणाम। दीदी आज शाम को हमारी रचना की सासू माँ आ रही हैं। सब लोग तैयार है ना, एकदम टिप टॉप होके। सी, हद मैंने पार की, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मेरा रास्ता छोड़ो। मैं अगर तुम कॉलेज जा रही हो तो रचना कहाँ है? कहाँ होगी, अपने कमरे में, अपने सपने, अपने दिल को खुद ही मारकर कैद है वो। जस्ट लाइक यू, लगता है ये इस घर का रिवाज है, सब अपनी मर्जी की लाइफ जीने से डरते हैं क्या? सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझ पे ताने कस रही हो गुंजन। हमने ट्राई नहीं किया, हमने ट्राई नहीं किया, तुमने ट्राई?
नहीं किया मयंक, बिकॉज तुम्हें गट्स ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि तुम अपने मॉम डैड से जाके कहो तुम्हारा दिल क्या चाहता है। और वैसे ही तुम्हारी बहन है, हॉकी से प्यार करती है, अच्छा खेलती है, फिर भी मौसा जी के सामने, परिवार की इज्जत के सामने एक मिनट नहीं लगा उसे सर झुकाने के लिए। उस दिल कहीं के जो कहना चाहती हो कहो, लेकिन तुम अगर मेरी जगह होती तो तुम्हें समझ आता कि फैमिली में अगर सबके साथ रहना है तो अपनी नहीं चल सकती, और अगर हर कोई अपनी मर्जी चलाने लगे ना तो फैमिली फैमिली नहीं रहती। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी कुंजन, तुम कभी जॉइंट फैमिली में नहीं रही। मेरी फैमिली के बारे में तुम क्या जानो मयंक, जब तुम अब तक मुझे मेरी फीलिंग्स को ही नहीं जान पाए, बस फैमिली फैमिली कहते रह गए। एनीवे मुझे लेट हो रहा है, मुझे कॉलेज जाने पाए। चले जाना बहुत आसान होता है कुंजन, लेकिन साथ रहकर अपनी बात समझाना और उसे मनवाना बहुत मुश्किल काम है कुंजन। एंड इट्स नॉट दैट आई हैवन ट्राइड, तीन दिन चारू के साथ रहकर मैंने कोशिश नहीं की तो और क्या किया कुंजन? और उससे हुआ क्या मयंक? नथिंग, जीरो। तो क्या हार मान ले या एक दूसरे को इल्जाम दे? थोड़ा इंतजार करो कुंजन, पता नहीं तुम्हें इतनी पेशेंस कब होगी कि राइट मुझ में उतना पेशेंस नहीं है मयंक, जरा सा भी नहीं, ना तुम्हारे लिए और ना रचना के लिए। मतलब तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं है? प्लीज मयंक, एक बात तो साफ है, तुम्हारे पास अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कोई बहाने नहीं बचे हैं। हाय रचना। हाय, तुम अभी तक घर पे ही हो, कॉलेज नहीं चलना क्या? हाँ वो रचना, कौन है वहाँ? हाँ एक मिनट, अभी आए। तुम लोग यहाँ? वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग सब लोग मैच के पहले संकट मोचन जी के मंदिर गए थे। मंदिर में गुंजन मिली थी, उसने बताया कि तुम अभी तक घर पे हो। हाँ भाई, स्टार प्लेयर हो, पूरा आराम करके आओगी मैच खेलने, फुल तैयारी के साथ। अच्छा ये सब छोड़ो, ये लो प्रसाद। पता है ना, मैच से पहले थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर टाइम पर आ जाना। ओके हाँ, लेकिन हम आज का मैच नहीं खेल पाएंगे। क्यों? ऐसा कैसे कर सकते हो, बात क्या है? अब वो क्या है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक तो लग रही हो, तुम्हें पता है ना कितना बड़ा मैच है, नेशनल लेवल का। टीम को तुम्हारी सख्त जरूरत है, और तुम तो जानते हो तुम हमारी स्टार प्लेयर हो, तुम्हारे बिना तो हम खेल ही नहीं पाएंगे। अब ज्यादा भाव मत खाओ, स्वामी विवेकानंद कॉलेज को जितवाना है या नहीं? मैडम मैच आज ही है, नो बहानेबाजी, तुम्हें आना ही होगा। ओके, अब समझ में आया, तुम तो बड़ी धोखेबाज निकली। क्यों? स्पोर्ट कोटा में एडमिशन करा लो और फिर कट लो। अच्छा डिच मारा है टीम को। रचना गर्ग मतलब ही नंबर वन। पता नहीं राजीव सर ने तुम जैसों पर इतना टाइम और मेहनत क्यों बर्बाद की, धोखेबाज कहीं की। अब छोड़ो ना, इन बहन जी को चूल्हा चौका करना होगा। अपना उल्लू सीधा करना ना, कोई इनसे सीखे। ये क्या शोर मच रहा है? आप सबको कॉलेज जाने के लिए देरी नहीं हो रही क्या? चलो बाय रचना। बाय रचना। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।